नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है इफ इट्स फॉर माय डॉटर आई विल डिफीट अ डेमन लॉर्ड। अगर आपने इससे पहले के पार्ट्स नहीं देखे हैं तो उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। एपिसोड की शुरुआत में लेडीना डेल की दादी को उसके टाउन की फोटोज दिखा रही होती है और वहाँ के लोगों के बारे में भी बता रही होती है और ये भी बताती है कि रीटा माँ बनने वाली है और उसके पेट में जो बच्चा है वो डेल का नहीं है, वो केनेथ का है। ये बात सुनकर डेल की दादी कहती है फिर तो हमें एक चार्म बनाना चाहिए बच्चे के लिए और डेल वो चार्म बनाने में तुम्हारी मदद कर देगा। लेडीना फिर डेल के पास जाती है और वो बताता है कि वो कुछ समय बाद यहाँ से जाने वाले हैं। लेडीना थोड़ी उदास दिखती है। डेल पूछता है कि क्या बात है, जाने का मन नहीं है क्या? लेडीना बोलती है कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। डेल समझ जाता है कि ऐसा इसलिए है क्योंकि वो सबके साथ टाइम बिताकर उनके साथ काफी घुल मिल गई है, इसलिए उसका जाने का मन नहीं कर रहा है। और लेडीना फिर डेल को चांद के बारे में बताती है और उससे बोलती है कि उसको बनाने में उसे उसकी मदद की जरूरत है। फिर दोनों मिलकर चांद बनाते हैं। बाद में डेल और लेडीना वोल्फ की फैमिली से मिलने जाते हैं। पैक लीडर अपने फर के हिस्से डेल को देता है और बोलता है कि अगर ये तुम्हारे पास होंगे तो बीस्ट जो कम अकलमंद होते हैं वो तुमसे दूर रहेंगे। डेल उसके फर के लिए पैक लीडर को धन्यवाद बोलता है। लेडीना भी छोटे वोल्फ को बाय बोलती है और फिर दोनों कॉर्नेलियो से मिलने जाते हैं उनको भी बाय बोलने के लिए, और लेडीना उनको धन्यवाद बोलती है उसको पढ़ाने के लिए। और कॉर्नेलियो भी लेडीना को बोलता है कि उसको भी अच्छा लगा उसको पढ़ाकर, क्योंकि जो सीखना चाहते हैं उन बच्चों को पढ़ाने में टीचर को मजा आता है। लेडीना को उसके सफर के लिए कपकेक मिलते हैं और वो दोनों उनको अलविदा बोलकर चले जाते हैं। वो फिर डेल की दादी से आखिरी बार मिलने जाती है। डेल की दादी लेडीना को एक नाम देने का फैसला करती है और लेडीना को बोलती है कि जब तक वो बड़ी नहीं हो जाती है इस नाम को वो अपने मन में रखे और जब वो बड़ी हो जाएगी तो वो डेल से इसका मतलब पूछ सकती है। लेडीना बोलती है कि जब वह दादी बनेगी ना वो बिल्कुल उनकी तरह ही बनना चाहेगी। डेल ये सुनकर चिंतित होने लगता है। फिर लेडीना सबको बाय बोलकर अपने सफर पर जाने के लिए तैयार हो जाती है। डेल फिर लेडीना के रिबन को देखकर सोचता है दादी के साथ जो उसने बात करी थी उसके बारे में। दादी डेल को बताती है कि जो कपड़े हम ट्रैवल करते समय पहनते हैं और जो बीस्ट को दूर रखते हैं उनको सोरिंग वुल्फ के फर की मदद से बनाया जाता है, जिसको सुनकर डेल हैरान हो जाता है और समझ जाता है कि क्यों वो लेडीना से उसके वुल्फ को ब्रश करवा रही थी। दादी फिर बताती है नॉर्मली तो वो वेट करते हैं और कुछ लोग जाकर फर ले लेते हैं जब वुल्फ के फर निकालने का टाइम आता है, पर लेडीना की वजह से उनको काफी सारा फर मिला है इस बार और वो डेल को एक रिबन देती है जो उसने सोरिंग वुल्फ के फर से बनाया है। वर्तमान में वापस लेडीना सबको बाय बोलकर चली जाती है और गेट पर जाकर चिल्लाती है। दोनों फिर जोसेफ से मिलने जाते हैं और माया आती आवाज लगाते हुए छलांग लगाकर उसके पास आती है, पर डेल बीच में आ जाता है पर वो उसके मुंह पे लात मारकर लेडीना की गोद में चली जाती है। माया लेडीना से खेलने के लिए जिद करती है। माया के पिता भी उसको बोलते हैं कि लेडीना अभी आई है उसको थोड़ा आराम करने दो, पर वो बिल्कुल नहीं सुनती। फिर ऊटे वहां आती है और लेडीना और माया को देखकर पूछती है कि क्या चल रहा है। डेल बोलता है कि ऐसा लगता है कि माया लेडीना को अपने पास रखना चाहती है। ऊटे बोलती है कि उसके पापा ने उसको बिगाड़ के रखा है। डेल जोसेफ से पूछता है कि लास्ट टाइम जब वो गए थे तो उसने रोना जल्दी बंद कर दिया था ना? वो कहता है कि नहीं, वो काफी टाइम तक रोई थी, और बोलता है कि हो सके तो इस बार मॉर्निंग में जल्दी निकल जाना। ओके, फिर सब खाना खाते हैं और माया जब सो जाती है तो लेडीना और माया को अलग कर दिया जाता है। फिर सब सोने जाते हैं। डेल लेडीना को बोलता है कि वो सुबह जल्दी निकलेंगे और बहाना बनाता है कि उसे मौसम की चिंता है इसलिए। पर मॉर्निंग में जब दोनों उठते हैं तो क्या देखते हैं कि लेडीना के बगल में माया सो रही होती है और वो सोचते हैं कि ऐसा कैसे हुआ। और जब वो जा रहे होते हैं तो माया फिर से जोर जोर से रोने लगती है। दोनों फिर रास्ते में आराम करने के लिए रुकते हैं और लेडीना बोलती है कि वो याद के तौर पर कुछ लेना चाहती है सबके लिए और मार्केट से सबके लिए काफी सारी चीजें खरीदती है। वो मार्केट में एक लड़की को देखते हैं जिसको डेल रोज प्रिंसेस बोलता है। लेडीना पूछती है कि क्या तुम उसको जानते हो क्या। डेल बोलता है कि हाँ, वो मेरे दोस्त के दोस्त की दोस्त है और बताता है कि उसने उसके बारे में काफी स्टोरी सुनी है पर वो कभी वैसे कलर वाले बालों किसी से मिला नहीं है। लेडीना बोलती है कि वो मैजिक की वजह से है क्या, क्योंकि जहाँ पर वो पैदा हुई थी वहाँ पर वैसा ही था। डेल पूछता है कि उसके बालों के रंग के अनुसार उनके मैजिक का पता चलता है क्या। लेडीना बताती है नहीं, उसके बाल के रंग तो रैक के बाल के रंग से मैच करते हैं और मेरे टाउन में जिन जिन पे मैजिकल पावर होती थी उन पे पर्पल कलर के लंबे बाल होते थे। फिर सफर में चलते हुए वे घर पहुंच जाते हैं और रीटा लेडीना का वेलकम करती है और पूछती है कि डेल कहाँ है। डेल फिर पीछे वाले गेट से अंदर आता है और केनेथ को हाय बोलता है। लेडीना
भी दौड़कर वहां आती है और कैनज को हाय बोलती है और बोलती है कि वो सबसे पहले कैनज को हाय बोलना चाहती थी पर डेल ने पहले बोल दिया। कैनज डेल को बोलता है ये तो बुरी बात है। फिर शॉप में भी सब लोग लेटिना को देखकर खुश हो जाते हैं और बोलते हैं कि शॉप उसके बिना ज्यादा बढ़िया नहीं थी। जिसको सुनकर रीटा थोड़ी चिढ़ती है पर लेटिना आई है इसलिए कुछ नहीं बोलती। अगले दिन लेटिना फिर स्कूल में जाती है और क्लोई से मिलती है। क्लोई उसको बोलती है कि उसने उसे काफी मिस किया और उसको नेकलेस दिखाती है जिसपे उसने लेटिना का टूटा हुआ सींग लगा रखा है और बताती है कि पहले तो उसको समझ में नहीं आ रहा था कि वो इसके साथ क्या करे पर रूडी ने बोला कि वो उसके लिए उसका नेकलेस बना देगा और इस तरह लेटिना के सींग से नेकलेस बना। वो क्लास में सिल्विया से भी मिलती है जो काफी उत्साह से पूछती है उसकी ट्रिप के बारे में, क्या कपड़े पहने, किस किस से मिली, कोई मैजिकल बीस्ट मिला क्या। फिर लेटिना उसको ट्रिप के एक हादसे के बारे में बताती है जब उसने रास्ते में कुछ महसूस किया कि कुछ खतरा है और जब डेल ने देखा तो वो समझ गया कि वहाँ कुछ बदमाश छुपे हुए हैं जो पीछे आ रहे कैरेज को लूटना चाहते हैं। डेल फिर अपने मैजिक से सबको धराशाही कर देता है और जंगल में एक बड़ा गड्ढा बनाता है और उसमें सब बदमाशों को डाल देता है। जिसको सुनकर सिल्विया खुश हो जाती है और कहती है कि ट्रैवल करने के कितने मजे हैं। लेटिना फिर उनके लिए लाए गए गिफ्ट उनको देती है और बोलती है कि मैंने अपने लिए भी सेम लिया है ताकि हम सबके पास ये हो, बस कलर अलग है मेरे वाले। फिर बाकी दोस्त भी वहाँ आते हैं। रूडी लेटिना से बात करने के लिए उसके पास जाता है पर टीचर क्लास में आ जाती है। क्लास के बाद सारे बच्चे एक साथ बैठकर लंच करते हैं। लेटिना रूडी के नेकलेस को देखकर पूछती है कि उसने उसके रिंग के टुकड़े की पेंडेंट को क्यों पहना हुआ है। क्लोई भी देखती है और बोलती है कि हाँ ये तो लेटिना के सीन का पेंडेंट है। लेटिना फिर से रूडी से पूछती है कि उसने क्यों पहना हुआ है। वो बोलता है कि वो काफी रेयर मटेरियल है इसलिए इसने वो पहना हुआ है। जिसको सुनकर लेटिना मान जाती है। रास्ते में लेटिना एक बिल्ली को देखती है और बोलती है कि वो बिल्ली को फ्रेंड बनाना चाहती है पर कभी बना नहीं पाई क्योंकि बिल्ली उसको पसंद नहीं करती। सिल्विया बताती है कि उसने काफी सारी बिल्लियां देखी हैं सेंट्रल मार्केट के बीच में और रात में सारी बिल्लियां इकट्ठा होती हैं। लेटिना फिर बिल्लियों के बारे में सोचना शुरू कर देती है। आसमान के बादल में उसको बिल्लियां दिखती हैं। जब वो ड्रॉइंग बना रही होती है तो वो बिल्लियां बनाती हैं और काफी परेशान सी लगने लगती हैं। शॉप में बाकी लोग पूछते हैं कि लेटिना को कुछ हुआ है क्या पर लेटिना बोलती है कि कुछ नहीं हुआ है, सब ठीक है। सारे बंदे आपस में बात करने लगते हैं कि लगता है कि कोई लड़के का मामला है। दूसरा बंदा कहता है कि वो तो बस 10 साल की है। जिसको सुनकर वो बोलता है कि लड़कियां तो लड़कियां होती हैं, छोटी हो या बड़ी। बाकी बंदे बोलते हैं कि मुझे यकीन नहीं होता कि तुम्हारे मुंह से ये बात निकली है, मेरा तो तुम्हारा मुंह तोड़ने का मन कर रहा है अब। डेल भी लेटिना से पूछता है। लेटिना उसको बोलती है कि कुछ नहीं है पर डेल बोलता है कि जो कुछ भी मन में है बोल दो। लेटिना फिर बोलती है कि उसको सेंट्रल पार्क में जाना है बिल्लियों को देखने और उसको रात में बाहर जाने की इजाजत नहीं है। डेल सोचता है कि वो परमिशन दे देगा पर वो भी उसके साथ जाएगा जिससे लेटिना उससे काफी खुश हो जाती है। पर तभी जिलवेस्टर बोलता है कि बाहर जाने की जरूरत नहीं है। जिलवेस्टर बताता है कि उसके पड़ोस में एक बंदा है जिसके पास काफी सारी बिल्लियां हैं। लेटिना पूछती है कि क्या वो उनसे मिलने जा सकती है और बिल्लियों को पेट कर सकती है। जिलवेस्टर बोलता है कि हाँ वो उससे पूछेगा जिससे डेल चिढ़ जाता है। अगले दिन डेल और लेटिना फिर जिलवेस्टर के पड़ोसी के यहाँ बिल्लियों को देखने जाते हैं। लेटिना बिल्लियों को देखकर काफी उत्साहित लग रही है। फिर उस घर के मालिक शीशो वहाँ आते हैं और उन दोनों का स्वागत करते हैं। डेल से मिलकर वो उसको पहचान जाता है कि वो चीत्रो से है और दोनों बात करते हैं और शीशो बताता है कि वो उसकी दादी का बॉयफ्रेंड था पर उसकी दादी ने उसे फ्रेंड जोन कर दिया और तुम्हारे दादा से शादी कर ली। वहीं दूसरी तरफ लेटिना बिल्लियों के साथ खेलने की कोशिश करती है पर कोई बिल्ली उसके पास नहीं आती। यहाँ तक कि कुछ बिल्लियां तो उससे दूर भाग जाती हैं पर एक बिल्ली को लेटिना अपने प्यार के जाल में फंसा लेती है और घर का मालिक डेल को फंसा लेता है। लेटिना के लिए उसको कपड़े दिखाकर और ट्राई करने को भी कहता है और लेटिना जब उसे ट्राई करती है तो डेल उसको देखकर काफी खुश हो जाता है। तभी शीशो बोलता है कि चलो फिर खरीदो इसको। जिसको सुनकर डेल थोड़ा हैरान लगता है और बोलता है कि क्रेडिट कार्ड तो उसके पास है नहीं तो कैश चलेगा क्या। और शीशो बोलता है हाँ क्यों नहीं कैश चलेगा ना। लेटिना को न्यू ड्रेस में देखकर शॉप में सब खुश हो जाते हैं और डेल भी खुश हो जाता है लेटिना को खुश देखकर। वहीं खेतों में छोटा वाला वुल्फ लेटिना के पास जाने के लिए अपने फादर से इजाजत मांगता है पर उसके पापा मना कर देते हैं। वो कहता है कि वो जाएगा और अगर उसे परमिशन नहीं मिली तो वो उनकी मम्मी से शिकायत लगाएगा। उसके पापा बोलते हैं ऐसा मत करना। अगले दिन रीटा काम कर रही होती है और लेटिना बोलती है तुम्हारा पेट तो काफी बड़ा हो गया है, लगता है बेबी पेट फाड़ के बाहर निकलना चाहता है। रीटा लेटिना को बेबी को छूने के लिए बोलती है और बेबी लात मारता है जिससे लेटिना के हाथ में लग जाती है। लेटिना फिर बेबी का गला घोटने के लिए रिबन देती है। Wait a minute.
सॉरी मेरा मतलब है लेरीना बेबी की प्रोटेक्शन के लिए रिबन देती है। रीटा उसको लकी चार्म दिखाती है जो लेटिना ने उसको दिया था और उसका रिबन उसको वापस दे देती है। लेटिना बोलती है कि उसने एक नया दोस्त बनाया है जिसने ये रिबन बनाने में हेल्प करी थी। गैरेट डेल से पूछता है कि कौन है वो फ्रेंड, तो डेल बताता है कि वो फैंटास्मिक बीस्ट का लीडर है, जिसको सुनकर केनेथ भी हैरान हो जाता है। तभी शॉप में डेल की एक्स गर्लफ्रेंड एंट्री करती है और बोलती है कि वो उसके बच्चे की माँ बनने वाली है। वो लेटिना को देखकर बोलती है कि यही है तुम्हारी टिंगी सी मेज। लेटिना ये बोलती है कि वो टिंगी नहीं है, वो छोटी है। डेल हार्मोन से पूछता है कि वो यहाँ क्या कर रही है। वो बताती है कि वो उसके बच्चे की माँ बनने वाली है। वो डेल को बताती है कि उन दोनों का नेक्स्ट मिशन एक साथ है, इसलिए वो यहाँ आई है उससे मिशन के बारे में बात करने। लेटिना हार्मोन से खुश नहीं है और वो डेल के गले लग जाती है और बोलती है कि न्यू जॉब में ज्यादा टाइम लगेगा क्या तुमको। डेल बोलता है हाँ थोड़ा टाइम तो लगेगा। लेटिना बोलती है कि वो उसका वेट करेगी। लेटिना को डेल के गले लगता देख हार्मोन लेटिना को चिपको बोलती है। लेटिना डेल से हार्मोन के बारे में पूछती है कि वो क्या उसकी फ्रेंड है क्या। डेल बताता है कि हाँ वो उसकी फ्रेंड थी पर अब नहीं है और उसके पेट में कोई बच्चा नहीं है, अगर है भी तो वो मेरा नहीं है। लेटिना बोलती है कि वो जल्दी बड़ी होना चाहती है ताकि उसके पेट में डेल का बच्चा। डेल फिर अपने रूम में लेटर पढ़ रहा होता है मिशन से रिलेटेड। लेटर पढ़ने के बाद वो सोचता है कि क्यों उसको उसकी एक्स के साथ मिशन पर जाना पड़ रहा है और लेटिना को बोलता है कि वो कुछ करे क्या उसको खुश करने के लिए। लेटिना बोलती है कि वो ठीक है, उसको कुछ नहीं हुआ है और डेल बोलता है ओके फिर लंच पे मिलते हैं। डेल के जाने के बाद वो अपना मुंह फिर से फुला लेती है जिससे पता चलता है कि वो चिंतित तो है। डेल नीचे आके फिर केनेथ से बात करता है। केनेथ उसको बोलता है कि तुम्हारी पुरानी बंदी यहाँ है ना, इसलिए वो थोड़ा चिड़ी हुई है। रात को हार्मोन जिल्वेस्टर के साथ करती है और बाकी सभी लेटिना को उदास देखकर सोचते हैं कि लगता है उस लड़की की वजह से उसका मूड खराब है। और वो सभी बंदे हार्मोन के बूफ्स की तारीफ करते हैं और सोचते हैं कि वो कितने बड़े बड़े हैं, अगर उनके साथ फुटबॉल खेलने को मिल जाए तो मजा आ जाए। लेटिना सब सुन रही होती है और गुस्सा होने लगती है। स्कूल में लेटिना अपने दोस्तों से हार्मोन के बारे में चुगली करती है और कहती है कि वो उसको टिंगी स्मॉल बोलती है और बोलती है कि वो जल्दी बड़ी होना चाहती है। रूडी वही होता है और वो बोलता है कि वो कभी बड़ी नहीं होगी क्योंकि उसके हाथ पैर शरीर बूब्स सब छोटे और उसकी आवाज भी बच्चे की तरह है। लेटिना बोलती है कि क्या मेरे बूब्स छोटे हैं। लेटिना बोलती है कि मेरी ये बात बच्चे जैसी है। केनेथ के साथ खाना बनाते समय लेटिना उससे पूछती है कि जब वो बड़ी हो जाएगी तो वो जितनी अभी है उससे बड़ी होगी ना। लेटिना बोलती है कि अगर वो बड़ी हो जाएगी तो हो सकता है कि वो ज्यादा बड़े ना हो, क्योंकि जब वो रैक के साथ रहती थी तो उसने बोला था कि वो मो पर गई है। मो लेटिना की मम्मी थी और वो काफी छोटी वुमन थी और बड़ी होने के बावजूद भी उसके छोटे थे। जब वो उसको स्मॉल बोल रही है तो उसका मतलब क्या है। लेटिना बोलती है कि वो चेस्ट की बात कर रही है, जिसको सुनकर केनेथ हैरान हो जाता है और बोलता है कि उसको रीटा से बात करनी चाहिए इसके बारे में। लेटिना बोलती है पर रीटा के भी जो छोटे हैं और उसने अपनी मम्मी से भी पूछा था इसके बारे में, पर उन्होंने उसके गाल ऐसे करके बोला कि वो कितनी प्यारी है। केनेथ सुझाव देता है दूध ज्यादा पियो, दूध से तुम्हारे नींबू संतरे बन जाएंगे। चल झूठा। दूसरी तरफ छोटा वुल्फ जंगल से निकल जाता है सिटी के लिए लेटिना से मिलने के लिए। रात को शॉप बंद करने के टाइम पर डेल ड्रिंक कर रहा होता है और हार्मोन वहां आती है। केनेथ हार्मोन को ग्लास और बोतल देता है और बोलता है कि जो कुछ भी करना है आराम से करना, शोर मत करना। फिर दोनों करते हैं। बात करते हैं काफी गहरी बातें करते हैं। डेल हार्मोन से पूछता है कि उसने अभी तक किसी लड़के को अपने जाल में फंसाकर उसे शादी क्यों नहीं करी। हार्मोन बताती है कि वो मेज है और किसी नॉर्मल पर्सन से शादी करती है तो वो जल्दी मर जाएगा और उसका दुख काफी कठिन होगा। डेल उसे पूछता है कि अगर वो मर जाता है तो क्या वो लेटिना का ध्यान रखेगी। हार्मोन बोलती है नहीं, बिल्कुल नहीं, वो बेबी सिटर थोड़ी ना है और मेरे पेट में तुम्हारा बच्चा भी तो है, उसका कौन ध्यान रखेगा। और वो ये बोलती है कि अगर उसको लेटिना के साथ रहना है तो ज्यादा से ज्यादा चीना होगा। स्कूल में सारी लड़कियां बात करती हैं कि उनकी पढ़ाई यहाँ पर कंप्लीट होने वाली है तो वो क्या करेंगे। क्लोई बोलती है कि वो टेलर बनेगी अपनी मम्मी की तरह। सिल्विया बोलती है कि उसने सोचा है कि वो प्रिस्ट बनेगी। लेटिना बोलती है कि वो डेल की पत्नी बनेगी। समझ रहे हो आप। लेटिना फिर रास्ते में रूडी से मिलती है और पूछती है कि उसने क्या सोचा है फ्यूचर के बारे में। वो बोलता है कि उसने चौकीदार बनने के बारे में सोचा है ताकि वो कुछ टाइम चौकीदारी करेगा, फिर जब उसकी ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाएगी तो वो फौज में भर्ती हो जाएगा और गार्ड बन जाएगा। रूडी उसे पूछता है कि उसने फ्यूचर के बारे में क्या सोचा है और वो बोलती है कि वो डेल की पत्नी बनना चाहती है। समझ रहे हो आप
समझ रहे हो। लेटिना फिर डेल से बात करती है और बोलती है कि वो जल्दी बड़ी होना चाहती है और डेल से पूछती है कि उसको उसके मिशन में कितना टाइम लगेगा। डेल बोलता है थोड़ा टाइम तो लगेगा। दोनों गले लगते हैं और बोलते हैं कि सब ठीक हो जाएगा और पुरानी बातों को याद करते हैं। डेल बोलता है कि तुम्हें याद है ना तुमने अपना पहला शब्द क्या बोला था, कि सब ठीक हो जाएगा। डेल ट्रिप पर जाने वाला है इसलिए वो लेटिना के साथ कुछ टाइम बिताना चाहता है और बोलता है कि वो कल चलेंगे घूमने। दोनों फिर अगले दिन रैक की कब्र के पास आते हैं। डेल बोलता है कि काफी टाइम हो गया है तुम मुझसे मिली नहीं, मुझे लगा कि तुम मिलना चाहोगी और बताना चाहोगी कि तुम कैसी हो, तुमने क्या क्या नया सीखा। अगले दिन डेल लेटिना से बाय बोलकर अपनी ट्रिप पर जाने की तैयारी करता है। लेटिना उसको बोलती है अपना ध्यान रखने के लिए और डेल जैसे ही घोड़े पर बैठता है हरमाइनी घोड़े को पीछे से मारती है और घोड़ा भागने लगता है। लेटिना डेल को देखकर सोचने लगती है कि ये पर्सन जिसने मेरी जान बचाई और जिससे मैं प्यार करने लगी, अगर वो नहीं होता तो आज मैं जिंदा भी नहीं होती। फिर शॉप में रीटा के पेट में दर्द होने लगता है और वो एक छोटे से लड़के को जन्म देती है और छोटा वाला वुल्फ भी लेटिना से मिलने आ जाता है और माया भी आ जाती है। लगता है माया और छोटे वुल्फ की अच्छी बनेगी। लेटिना फिर डेल का वेट करती है और डेल आता है, दोनों गले मिलते हैं और ये एनिमे यहीं पे खत्म हो जाता है। ये एनिमे जिस नॉवल के अकॉर्डिंग बना है वो नॉवल तो मैंने पढ़ा नहीं है और मैंने सर्च भी करा पर मुझे कुछ मिला नहीं। बस मुझे ये फोटोज मिली और ये इन्फॉर्मेशन मिली है कि फ्यूचर में लेटिना डेल से शादी करेगी और डेल डेविल बन जाएगा लेटिना के साथ रहने के लिए। और अगर नेक्स्ट सीजन आता है तो मैं इससे रिलेटेड वीडियो लेकर जरूर आऊंगा। प्लीज सब्सक्राइब जरूर करना और अगर आपको ये एनिमे पसंद आया तो आपको ये वाला एनिमे भी पसंद आएगा। मैं आपको मिलता हूँ इस वीडियो में। बाय बाय टाटा।